और आज हम बात करने वाले हैं कि हम वाइटनिंग इंजेक्शन को कैसे लगाते हैं। तो आज हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपको वाइटनिंग इंजेक्शन अगर आप लेते हैं तो आप उसको कैसे लगवा सकते हैं। तो यूजली ये कि इस वीडियो का मकसद यही होगा कि अगर आप वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो अपने मंगवा के घर पे किसी भी आप क्लिनिक से या किसी भी प्रोफेशनल से आप ईजिली लगवा सकते हैं। तो यूजली हम जिस वाइटनिंग इंजेक्शन की बात करेंगे वो है न्यूट्रो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन। और इसकी जो किट होती है स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन की, तो इसके अंदर यूजली जो है वो तीन चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं। एक तो इसके अंदर जो है वो केमिकल फ्री ग्लूटाथायोन का पाउडर होता है इसके एक वायल के अंदर, और उसके अलावा इसके अंदर दो और एम्प्यूल्स होते हैं जिसके अंदर लिक्विड चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है विटामिन सी और दूसरा होता है उसके अंदर आपका स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स के बारे में पता है सबको कि वो स्किन को रीजनरेट करता है, और विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन को जो है वो ब्राइटन अप करता है, फ्री रेडिकल्स को किल करता है जो डार्क करते हैं आपकी स्किन को, और आपकी स्किन को वो ब्राइट करता है। और उसके अलावा जो है हम इसकी जो प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो हम उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा जो है वो विटामिन सी का एक और एम्प्यूल ऐड करते हैं रिडॉक्स सी के नाम से, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसको जो बनाने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले जो जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे कि विटामिन सी, स्टेम सेल्स और जो रिडॉक्स सी वाला विटामिन सी है, ये आपने जो है एक 10 cc की सिरिंज के अंदर जो है वो फिल कर लेना है, जो इंजेक्शन होता है 10 cc का। और फिर उसके बाद आपने जो है ये जितना भी लिक्विड वाली चीज़ें ये सारी आपने जो है वो पाउडर वाला जो ग्लूटाथायोन के वायल है उसके अंदर आपने इसको इंजेक्ट कर देना है। तो जितना भी लिक्विड वाली आपकी सिरिंज के अंदर मटेरियल है वो आपने पाउडर वाले वायल के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देना, और एक सोल्यूशन की फॉर्म बना लेनी, और उसको फिर आपने दोबारा सिरिंज के अंदर भर लेना है। फिर इसके बाद आपने जो है ड्रिप सेट रेडी करना है। ड्रिप जो होती है वो इंक्लूडेड होती है पैकेज के अंदर, वो होती है आपकी 100 ml की नॉर्मल सलाइन की ड्रिप होती है, तो उसको आपने सेट करना है। और उसको फिर आपने जो ये आपने इंजेक्शन भरा हुआ होता है वो आपने उस ड्रिप के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देना है, और फिर आपने जो है ये ड्रिप जो है ईजीली पेशेंट को जो है वो पास कर देनी है, और बहुत स्लोली जो है वो आपने पेशेंट को ये पास करनी है। ड्रिप लगाने से पहले जो है आपने पेशेंट से ये ज़रूर पूछना है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है और उनको कोई बीमारी तो नहीं है या उनको किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेनी है। तो ये इसका एक कम्प्लीट मेथड है जिससे आप इसको ईजीली लगवा सकते हैं परचेस करके। और दूसरा ये कि आप इसके साथ अगर आप ये प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसके साथ अगर आप जो है खाने वाले ग्लूटाथायोन के जो कैप्सूल्स हैं वो भी अगर आप यूज़ करें तो आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं और ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। जैसे ग्लूटा फ्रोजन जो कैप्सूल्स होते हैं खाने वाली जो होते हैं वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं।